स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? ये जो कुंडली है, इस बच्चे के कुछ प्रश्न हैं। भोपाल मध्य प्रदेश का बच्चा है, काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर। उसकी भी जिज्ञासा हुई अपने भविष्य के बारे में जानने को लेकर के। उसके कुछ सवाल हैं, तो उन सवालों में पहला सवाल उसका यह है कि गुरुदेव हमारे पिछले जन्म में कर्म कैसे थे। पहला सवाल जिज्ञासा। सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये मेष लग्न की कुंडली है और नमेश गुरु और शनि और मंगल ये तीनों ही लग्न में बैठे हुए हैं। सूर्य द्वादश भाव में बैठा हुआ है, बुध और शुक्र एकादश भाव में है कुंभ राशि के, राहु चंद्र चतुर्थ में है। तो इनका जो प्रश्न है कि पिछले जन्म में कर्म कैसे थे। ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में एक शासक होता है, शासक, और शासक होने की वजह से ऐसे व्यक्ति ने बड़ी हुकूमत किया, दूसरों से खूब काम लिया, खूब तंग किया, और तंग कर इतना तंग किया लेबर के लिए, अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के लिए, जूनियर कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ में बड़ा रूड व्यवहार किया। इस वजह से इस जन्म में इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की थोड़ी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, और जब याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, लग्न पे शनि नीच का बैठता है, और याददाश्त जब कम होती है तो पढ़ाई में एकाग्रता भी भंग होने लगती है, और व्यक्ति एकांत का, अंधकार का, अनिद्रा का शिकार होने लगता है। ध्यान देना मेरी बात को। जिस बच्चे की एक जन्मपत्री है, तो इसका उपाय एकमात्र यह है कि आप गरीब लोगों से, मजदूरों से अच्छा व्यवहार करें, साथ में चींटियां होती हैं, काली चींटियों को कुछ खिलाइए पिलाइए, आटा डालिए, आटे में चीनी का पाउडर मिला करके डालिए, कुछ भी डालिए, ऐसा गुड़ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह डालो, ऐसी जगह जहाँ पर आपने चींटियों के लिए आटा डाला, कुछ भी खाने को डाला और चींटियाँ उस पर लगी हुई हैं, तो कुत्ता ना उसको चाट ले, नहीं तो पुण्य में पाप हो जाएगा। थोड़ा सावधानी का विषय बेटा। मैं ये नहीं बताऊंगा ये रत्न पहन लो, वो रत्न पहन लो, मैं आपके लिए कुछ ऐसे बेसिक उपाय बताऊंगा जो ट्रेडिशनल हैं, बड़े इफेक्टिव हैं, जिनका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, समझ रहे ना आप लोग। तो पिछले जन्म में आपके जो आप ऋणी हैं कर्म के, हरामखोरी की आदत थी, जैसे आजकल सरकारी जो नौकर होते हैं हरामखोर होते हैं, दूसरों से काम लेते हैं, अपना बैठा बैठा पेट फुला लेते हैं। इस जन्म में बेटा तुम्हारा पेट भी ज़्यादा नहीं निकल पाएगा, शरीर तुम्हारा एक गहरा बदन लंबाई लिए हुए हो सकता है, 5.5 फिट से कम लंबाई इतनी होनी चाहिए आपकी। मैंने आपको देखा नहीं है, पूछा नहीं है, लेकिन जन्मपत्री देख करके अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है ग्रहों के बल को देख के। तो केतु कर्म स्थान में बेटा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा सवाल है आपका कि मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग के। निश्चित रूप से 99% मैं कहता हूँ ये लाइन आपको बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा कुंडली में ग्रह संकेत दे रहे हैं, सिग्निफाई कर रहे हैं। आपने ये भी साथ में जोड़ा है कि सरकारी नौकरी मिल सकती है, 28 साल की उम्र के आसपास में आपके लिए, माने आसपास मतलब उसके बाद में संभावना रहेगी,
और दूसरा आपने कहा कि हमारे लिए क्या धन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 28 साल तक तो आपको संघर्ष योग निश्चित रूप से है, उसके बाद में आप इन चीज़ों से धीरे धीरे अभाव से, अपने धन की कमी से जो जूझ रहे हैं उससे मुक्त होते जाएंगे। किंतु यदि आप अपने अधीनस्थ लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ अगर आप दुर्व्यवहार करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। दूसरा, आपके भाई बहनों से आपको अपने अच्छे संबंध रखना चाहिए। आप थोड़े इरिटेटेड बच्चे हो, जल्दबाज हैं, या फिर बहुत बड़े लापरवाह भी हो जाते हैं कभी कभी आप। पहले तो बहुत जल्दी से काम शुरू करते हो कुछ भी, और फिर एकदम से जो ड्रॉप कर देते हो, भूल जाते हो। तो ये दो तरह का जो दुविधापूर्ण जो आपका व्यवहार है, आचरण है, साइकोलॉजी है, इसको ख़त्म करिए। एक लंबी बैटिंग करिए। लंबी बैटिंग का मतलब यहाँ पर ये है, एक लगातार कछुआ की तरह वर्किंग करिए, खरगोश की तरह थोड़ा दूर दौड़ लगा करके फिर रुक जाना, फिर सो जाना। इस तरह से सफलता हाथ नहीं आएगी, आपकी पत्री में ऐसा ही नहीं। आत्मकारक आपका चंद्रमा है, ऐसे व्यक्ति के बड़े बड़े सपने होते हैं, सोचता है मैं अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने माँ के लिए इतना कर दूँ, ये कर दूँ, घर ऐसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, इतने बड़े बड़े वाहन होना चाहिए, आदि आदि बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी बना देता है ये व्यक्ति के लिए। किंतु एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप कुसंगति में हैं किसी जो हरामखोर टाइप के लड़के, अगर आप उनकी संगति में हो इस समय, उनके प्रभाव में हो, तो उनसे दूर हो जाना। जब आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे और गंदे बच्चों के साथ रहोगे तो वो आप, उनका जो नेगेटिव प्रभाव है वो आप पे आएगा और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो इसमें जो है आपकी कुंडली में ये एक बहुत बड़ा दुविधा एक योग है। दुविधा योग होने से आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो, 15 दिन मेहनत करते हो, फिर उसके बारे में सवाल, नेगेटिव सोचने लगते हो, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ये छोड़ो दूसरा पकड़ते हैं, दूसरा किया 15 दिन, फिर माने ऐसे व्यक्ति की दिनचर्या सिस्टमेटिक हो ही नहीं सकती है उसके। अब आप कहोगे तो क्या करें, उसके लिए आपको यही हट योग करना होगा, अपनी आदतों से लड़ना होगा, समझ रहे ना। आँखों में जलन हो सकती है, आपके सिर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है, वो आपकी अनियमित दिनचर्या के कारण है, जो समय पे उठना नहीं, बैठना नहीं, जागना नहीं, कभी रात भर पढ़ रहे हैं तो कभी रात भर सो रहे हैं, ये ऐसे काम नहीं चलेगा, यही दिखा रहा है दर्शक। ठीक है, तो ये आपका जो सबसे बड़ा जो आपका शत्रु है ना बेटा, ये आपका माइंड है। ऐसे लोग करते कम है और एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं, हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए। यस, 4 दिन मेहनत करेंगे और 40 दिन का रिजल्ट चाहने लगते हैं, हमको रिजल्ट मिल जाए, तो कैसे फिर आप सफल होंगे अपने जीवन में। आपके कुंडली में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है आपके थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स हैं। और ऐसे थॉट्स माने ऐसे लोग कुतर्की होते हैं, क्या होते हैं, किसी की भी बात को सही बात पे भी बुराइयाँ बहुत जल्दी ऐसे लोग ढूंढ लेते हैं, सक्की स्वभाव के होते हैं। और ऐसे लोगों की माँ का स्वभाव भी सक्की होता है, दुविधापूर्ण होता है, वो भी डाउट में रहते हैं, आप पे भी डाउट करते हैं, और समझ रहे हो, और आप अपने पे डाउट करते हो, आप दूसरों पे डाउट करते हो, तो इन चीज़ों से निकलना होगा। इसके लिए आप जो हैं पक्षियों की और कुत्तों की सेवा शुरू करो, बस कुत्तों को मीठा मत खिलाना, नहीं तो खुजली हो जाएगी, गालियां देंगे साले मन मन में, कहेंगे पुण्य करने आया, साले ने हमें चर्म रोगी बना दिया। ठीक है, नमकीन टाइप की रोटी है, पराठा है, पूड़ी है, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। अमात्यकारक शनि यहाँ पर बनना है, आपका शनि ही आपको पार लगाएगा। शनि माने मेहनत कराने वाला, और मेहनत कामचोर लोगों से शनि नाराज हो जाता है, उन्हें डिप्रेशन में पहुंचा देता है। तो सबसे पहले नियमितता लाइए अपने जीवन में, जो भी काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो। दूसरा जो है,
परशरम से जी मत चुराइए, तीसरा अपने साथियों से अच्छा व्यवहार करिए, परोपकार की भावना रखिए, अपनी बहन और भाइयों से अच्छा व्यवहार करो, ये आपके लिए हित में रहेंगे जो आपके भाई बहन हैं, समझ रहे हो ना, उनका सहारा लीजिए। और बाकी कुछ मन में शंका हो तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख देना, कुछ और मन में बात हो तो मैं उसका समाधान देने की कोशिश करूँगा। तो इसमें कुंडली में एक आपका सिविल इंजीनियर का एक अच्छा योग है, ध्यान रखिए, और उसी से धीरे धीरे आप पहले ज्वाइन करें, उसी से धीरे धीरे आप कोशिश करते रहें तो सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं, जैसे नहर विभाग है ना, जैसा कि आप बोल रहे थे, बांध वगैरह बनाना है, तो इस तरह की चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हैं, नो डाउट। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो। मेरा ज्योतिष का जो उद्देश्य है, लोगों की दुविधाओं को, कन्फ्यूज़न को दूर करना है, और जो संभावनाएं हैं उनको और कैसे बेहतर अवसर में बदला जाए, वो ज्योतिष के द्वारा मैं आप बताने की कोशिश करता हूँ लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो का आनंद लें, मेष लग्न की कुंडली का भूमि तत्व से जुड़ा हुआ है ना, भूमि तत्व से है तो ऐसे लोगों को जमीन से जुड़े हुए कार्य भी अच्छे रहते हैं, ठेकेदारी भी अच्छी रहती है, जो मैं और संभावनाएं बता रहा हूँ, ऐसे लोग अच्छे ठेकेदार भी हो सकते हैं, बशर्ते डाउन लाइन से अच्छा व्यवहार करें, तभी लेबर टिक पाएगी, आपके अधीनस्थ टिक पाएंगे, सब छोड़ के भाग जाते हैं। ओके।